हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। जैसे कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि एक ही वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको टेबल बनानी है, इसी वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको टेबल बनाने के बाद क्वेरी बनानी है, और इसी वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि टेबल और क्वेरी बनाने के बाद कैसे फॉर्म बनाना है, उसके लिए कैसे रिपोर्ट डिजाइन करनी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सेस है हमारा, और एक्सेस का 2007 ही ओपन करूंगा, और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, ये ब्लैंक डेटाबेस है और यहाँ पर आपको एक नया सिनेरियो ये दिखाई पड़ेगा, ब्लैंक डेटाबेस। आप चाहे तो नाम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डेटाबेस 311 लिखा हुआ है, तो मैं इसे ग्रोसरी नाम का एक डेटाबेस बना देता हूँ, तो ये ग्रोसरी, लेकिन एक्सटेंशन जो है .accdb ही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्रिएट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ से व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर ग्रोसरी टी नाम से टेबल कर देते हैं। तो ये हो गया ग्रोसरी और ये हो गया टी, ग्रोसरी टी, ठीक है। और एंटर कर देंगे तो ये हो गया ग्रोसरी टी और ग्रोसरी टी नाम से टेबल बन गई। और यहाँ पर देखिए ये आईडी आ रही है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे कस्टमर आईडी बना सकते हैं, कस्टमर आईडी, ठीक है। और इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर भी रख सकते हैं या जो चाहे, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ कस्टमर आएगा, तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहता है। तो ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर, और नेम ऑफ कस्टमर के बाद हमें यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस EDDREES एड्रेस जो है एंटर कर लेना है, और एड्रेस को एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे सिटी एंटर कर लेना है, और सिटी एंटर करने के बाद यहाँ से जाकर के और लुकअप विजिट करना है, और लुकअप विजिट करने के बाद यहाँ आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाना है, और यहाँ पर आकर के देवरिया गोरखपुर जो भी हो यहाँ पे हमें दे देना है। तो ये हो गया देवरिया, फिर यहाँ गोरखपुर, जो भी सिटी का नाम हो आपके वो दे सकते हैं, लखनऊ कर देते हैं। तो ये तीन सिटीज के नेम हमने दे दिए हैं, और यहाँ से नेक्स्ट करके और फिनिश पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर हम स्टेट भी कर देते हैं, STAT स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर आकर के स्टेट भी आएगा, तो यहाँ पर एक ही स्टेट रहेगा, यूपी। तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट टेक्स्ट वैलिडेशन टेक्स्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेट है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं व्यू पे, और व्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया आपके सामने ये खुल के आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस एक्सेस, और यहाँ कह रहा है कि इसको पहले सेव कीजिए, तो ये सेव कर दिया हमने। और यहाँ पे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की सिटी और स्टेट आएगा, तो स्टेट में हम यूपी रख लेते हैं। और यहाँ पर कस्टमर आईडी जो है 1 आ रही है, देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है, क्योंकि हमने कौन सा डेटा टाइप चूज कर रखा है, ऑटो नंबर चूज कर रखा है। और यहाँ पे कस्टमर का नेम मान लीजिए है रहमान, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस है न्यू कॉलोनी देवरिया, और यहाँ पर जो है सिटी इनकी है देवरिया, ठीक है। तो यहाँ देवरिया कर देते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं सुमित, तो सुमित भी देवरिया के हैं, तो यहाँ पे राघव नगर देवरिया, इनका एड्रेस है राघव नगर देवरिया, DEORIA, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है हम इनका एड्रेस भी देवरिया रखेंगे और सिटी देवरिया रखेंगे, और स्टेट तो यूपी ही रहेगा। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अमित कर देते हैं, अमित, ठीक है। और अमित जो है ये बेतिया हाता गोरखपुर के हैं, ठीक है। तो यहाँ सिटी गोरखपुर हो जाएगा, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से गोरखपुर चूज करेंगे, बाकी तो यूपी ही रहेगा, तो ये यूपी हो गया। और यहाँ पर आते हैं तो एक यहाँ कर देते हैं गौरव, तो ये भी एक नेम हो गया। और ये है लखनऊ के चार बाग, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे तो लखनऊ आएगा सिटी में, तो यहाँ लखनऊ कर देते हैं, और यहाँ पे स्टेट तो यूपी ही रहेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया है, और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और फिर यहाँ से क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके टेबल पे जाएंगे, और टेबल पे जाके यहाँ पे जाएंगे व्यू पे, और व्यू पे जाके क्या करना है, यहाँ पे एक और टेबल हम डिजाइन कर लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से, तो ये प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे टी कर देते हैं तो प्रोडक्ट टेबल हो जाएगी ये, और ये हो गया प्रोडक्ट टी, तो प्रोडक्ट टेबल ये बना रहे हैं हम। यहाँ पे आईडी रख देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे कस्टमर आईडी। जैसे कि यहाँ पे ग्रोसरी टेबल में आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये कस्टमर आईडी हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर डिजाइन क्वेरी डिजाइन पे जाकर के, और फिर यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी करेंगे, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो कस्टमर आईडी जो है यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर था वो आपको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए कस्टमर आईडी जो है ऑटो नंबर रखा गया है, तो हम यहाँ पे नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम नंबर रख लेते हैं। तो यहाँ से जाके राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे लेके और कस्टमर आईडी का डेटा टाइप हम नंबर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है रिलेशनशिप के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो यहाँ पे करते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो यहाँ प्रोडक्ट का नेम आएगा और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम के लिए टेक्स्ट डेटा टाइप ही रहेगा और यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो प्राइस को हम रखेंगे करेंसी डेटा टाइप, ये हो गया करेंसी। यहाँ से करेंसी डेटा टाइप हम लेंगे और यहाँ यूनिट करेंगे, यूनिट या क्वांटिटी, तो यहाँ क्वांटिटी लिख देते हैं और क्वांटिटी का जो डेटा टाइप होगा वो भी नंबर ही होगा। और यहाँ पर चूंकि हम डेसिमल भी यूज करेंगे तो यहाँ डबल इसे बना लेते हैं। और यहाँ पे अब टोटल हमें करना है, तो यहाँ पर टोटल करने की कोई सुविधा होती नहीं है, तो यहाँ पर नंबर ही डेटा टाइप रख करके और यहाँ से व्यू पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। बाकी कस्टमर आईडी तो हमें वन ही रखनी है, जैसे कस्टमर आईडी वन का व्यक्ति कौन कौन से प्रोडक्ट जो है परचेस कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं वन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आईडी भी बना रही है, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, हमें कस्टमर आईडी से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ राइस, ठीक है, RICE राइस कर दिया और राइस की कीमत है मान लीजिए 50 रुपये किलो, ठीक है, क्वांटिटी है 7 किलो, तो टोटल यहाँ पे आना चाहिए, टोटल आ नहीं रहा है। चलिए दूसरे पे आते हैं, मान लीजिए कस्टमर आईडी वन वाला ही व्यक्ति पल्स भी परचेस करता है, तो यहाँ पल्स कर दिया और पल्स जो है मान लीजिए है 140 रुपये किलो और मान लीजिए 6 किलो पल्स परचेस करता है, ठीक है। कस्टमर आईडी वन वाला ही व्यक्ति शुगर भी परचेस करता है, ठीक है, तो ये शुगर हो गया, शुगर हो गया आपका 40 रुपये किलो और 5 किलो शुगर हो गया। इसी तरीके से कस्टमर आईडी टू वाला व्यक्ति क्या परचेस करता है, सपोज कीजिए कस्टमर आईडी टू वाला व्यक्ति परचेस करता है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ओआईएल ऑयल, ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल है 140 रुपये लीटर और यहाँ पे 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल परचेस किया गया। तो यहाँ पर जो है अब इसको सेव करके क्लोज करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है इसको भी सेव करके यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से क्वेरी विजर्ड पे आप जा सकते हैं या यहाँ पर देखिए एक एक्सटर्नल डाटा फिर यहाँ पे डाटा बेस टूल्स मिलता है, तो यहाँ से जाके रिलेशनशिप पे आपको जाना है, ठीक है। एक और भी तरीका बताया जाता है रिलेशनशिप का, वो क्या है वो दिखा देता हूँ। जैसे हम क्रिएट पे गए थे ना, तो यहाँ हम क्वेरी डिजाइन पे ना जाके क्वेरी विजर्ड पे जाएंगे और सिंपल क्वेरी विजर्ड इसे रखेंगे और यहाँ पर पहला जो टेबल होगा हमारा ग्रोसरी वाला होगा, जिसमें कि कस्टमर आईडी, नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का एड्रेस, सिटी और स्टेट आएगा। जो दूसरा टेबल हम लेंगे यहाँ पर वो प्रोडक्ट वाला लेंगे, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा केवल और केवल प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। लेकिन रुकिए, अभी हमने कोई क्वेरी नहीं बनाई है क्योंकि हमें टोटल भी करना है, तो क्रिएट पे चल के हमें क्वेरी डिजाइन पे जाना है और ये जो टेबल है ना प्रोडक्ट वाली टेबल, इसके लिए क्वेरी लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेरी बनाने वाले हैं और इसमें हम ग्रोसरी की टेबल भी इंक्लूड करेंगे, तो दोनों टेबल को इंक्लूड करा है, देख सकते हैं ये, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से कस्टमर आईडी को खींच के लाना है, नीचे रखना है, ठीक है, फिर यहाँ से प्रोडक्ट को लेके आना है, यहाँ रखना है, प्राइस को यहाँ लाइए, यहाँ रखिए और क्वांटिटी को यहाँ लाइए, खींच के यहाँ ड्रैग करके लाइए, रख दीजिए, फिर टोटल को यहाँ रखिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने की बारी है, तो चलिए ये कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर कॉलन लगाइएगा, कॉलन यानी दो पॉइंट जो बिंदु वाला साइन होता है, जो कि एल अल्फाबेटिक की जो होता है एल, उसके ठीक बगल में होता है, शिफ्ट के साथ दबाइएगा ये लग जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा और स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो गया प्राइस और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई क्यू टी वाई यानी क्वांटिटी से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल शब्दों में ये जानिए कि क्वांटिटी से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम हो जाएगा। तो ये हो गया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर कस्टमर आईडी, ठीक है। तो कस्टमर आईडी ये वाला न लेकर के इसको मैं कट कर रहा हूँ, ये वाला नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर तो कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की नहीं है, ये जो है प्राइमरी की वाला है, तो इसको हम लेते हैं। तो ये हो गया कस्टमर आईडी, फिर नेम ऑफ कस्टमर, फिर यहाँ पर आते हैं तो ये एड्रेस ऑफ कस्टमर, फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर इस साइड देखिएगा, यहाँ पर जो है सिटी आ जाएगा और सिटी के बाद आ जाएगा स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया और ये होने के बाद क्या करना है आपको, ये होने के बाद यहाँ से इसे रन करवा देना है, सिंपली आपको रन करवाना है और रन करवाते ही ये सिनेरियो आएगा, सेव कर दीजिएगा। तो मैं इसे प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया प्रोडक्ट क्यू, तो ये प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ये रिलेशनशिप बनाइएगा तो उससे पहले आपको ये कर लेना है कि यहाँ पर
जो है ये रिलेशनशिप क्रिएट करा लेनी है यहाँ से जाके। और फिर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा डेटा बेस टूल्स रिलेशनशिप, तो इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप जरूरी है, तो इस कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप इस कस्टमर आईडी से करा करके इन तीनों पर टिक करके और फिर यहाँ से क्रिएट कर दीजिएगा। तो ये जो है क्योंकि यहाँ पे ये टेबल ओपन है, दैट्स व्हाई ये क्रिएट नहीं होगा, तो इसको पहले क्लोज कर लीजिएगा, देन आप क्रिएट कराइएगा रिलेशनशिप, तो ये क्रिएट भी हो जाएगा और यहाँ से जाकर के क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, ठीक है। तो ये जरूरी है कि रिलेशनशिप भी बिल्ड हो, ठीक है। अब जब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर अब ये रिलेशनशिप बिल्ड है, तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा कि यहाँ पर जब हम इस टेबल पे जाते हैं तो हमें दोनों ही रिपोर्ट नजर आती है, यानी कस्टमर की डिटेल तो हमें नजर ही आती है, इसके साथ ही साथ कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया है या कौन सा आइटम परचेस किया है ये भी डिटेल आपको नजर आती है। तो ये दोनों ही डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेंगे, ये फायदा है। अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है, और सेव करके इस रिलेशनशिप को भी सेव कर लीजिएगा और सबको क्लोज कर दीजिएगा। आपको डिलीट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है, सबको क्लोज भर करना है। तो यहाँ से जाकर के सबको क्लोज करिएगा और क्लोज करके यहाँ से रिलेशनशिप को भी सेव करके क्लोज कर दीजिए। देन यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा। फॉर्म पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर्म नहीं बनाते, सीधे हम क्रिएट पे आते हैं, एक और क्वेरी बना लेते हैं। तो इस बार हमें कहाँ जाना है, क्वेरी विजर्ड पे जाना है, और ये सिंपल क्वेरी विजर्ड ही रहेगा। यहाँ पर जाएंगे और ये जो क्वेरी बनी हुई है ना, यहाँ पर ये क्वेरी जो बनी हुई है इस क्वेरी के बेस पे हमें जाना है। तो ये सब लेकर के आगे बढ़िएगा और यहाँ मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और देन फिनिश करिएगा इसको। तो जब फिनिश करिएगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा। अब इसमें करना क्या है आपको ध्यान से देख लीजिए, क्राइटेरिया में आना है और यहाँ हमें फॉर्म के अंदर देखना है। तो ये हो गया फॉर्म, क्लोज किया, एक्सक्लेमेशन लगाया, और फॉर्म का नेम क्या होगा हमारे। तो ये क्वेरी बनाने से पहले आपको फॉर्म भी डिजाइन कर लेना है। तो पहले तो फॉर्म डिजाइन करना है, तो क्रिएट पे जाके फिर यहां से मोर फॉर्म पे जाके फॉर्म विजर्ड पे जाके और ये क्वेरी के बेस पे ही हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो ये सारी डिटेल को लेकर के आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट करिएगा, और पॉलीमर फॉर्म में ही डेटा चाहिए, और फिर यहाँ से देख लीजिएगा कौन सी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल ले लीजिएगा, और यहाँ से नेक्स्ट करके और फिर यहाँ से मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और प्रोडक्ट एफ कर दीजिएगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर एड एग्जिस्टिंग फील्ड है, तो यहाँ पर जाकर के एक एक को यहाँ पे लेके आइएगा, यानी कस्टमर आईडी हो गया, फिर हो गया आपका ये नेम ऑफ कस्टमर हो गया, और नेम ऑफ कस्टमर होने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा भी कर लीजिएगा यहाँ से, ये इस तरीके से छोटा भी हो जाएगा। और फिर एक एक को यहाँ पे लेके आइएगा, मतलब लाइन से इन सबको अरेंज करना है आपको इसके नीचे, जिस प्रकार से मैं करता आ रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी कर लेना है। आप चाहे तो कुछ चीज़ों को जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट है उसको साइड में भी रख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अरेंज करना होगा, इसको छोटा बड़ा होगा तो इसको जो है किनारे करके इसको अरेंज भी कर लीजिएगा। और अरेंज करने के बाद यहाँ पर प्राइस भी लेके आइएगा, और प्राइस लाने के बाद क्वांटिटी लेके आइएगा, और क्वांटिटी लेके आने के बाद टोटल भी लाना होगा आपको। ये सब लेके आने के बाद क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ बोल्ड कर देना इसे, और बोल्ड करके और फिर हमें अब नीचे चाहे तो हम बटन डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ बटन पे एक मैं दिखा देता हूँ कैसे डिजाइन करना है, इस पर क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बनाना है आपको, तो यहाँ से गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाके और इसे टेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट और फिर यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और फिर जब ये हो जाए तो यहाँ से आप चाहे तो एक और बटन बना लीजिएगा प्रीवियस रिकॉर्ड का। तो यहाँ से जाकर के इसको ड्रैग करवाइएगा, और ड्रैग करवा के प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, फिर इसे टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप चाहे तो पिक्चर भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसे टेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा ना तो अब दो ही बटन मैं बनाता हूँ, और एक सेटिंग और कर लीजिएगा, यहाँ प्रॉपर्टी शीट पे जाके और यहाँ पर फॉर्म को चूज कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा, ये फॉर्म, और यहाँ से आपको क्या करना है, पॉपअप जो नो है उसको आप यस करिएगा। तो ये पॉपअप को जो है यस करिएगा, और यहाँ पे फिलहाल सारी चीज़ें सिंगल फॉर्म में डिस्प्ले होंगी, और फिर हमें इसको सेव कर लेना है, इस फॉर्म को सेव करना है। तो प्रोडक्ट एफ के नाम से ये सेव हो गया। अब जो क्वेरी हम बना रहे थे, ये वाली क्वेरी, इसको देखते हैं वापस, यहाँ पर आए थे हम। अब हमारा फॉर्म भी बन चुका है जिसका नाम है प्रोडक्ट एफ, तो हमें फॉर्म के अंदर देखना है। तो यहाँ फॉर्म लिखा हमने,
और फॉर्म लिखने के बाद क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, एक्सक्लेमेशन देना है, और अब जो है फॉर्म के अंदर हमें देखना है और जो फॉर्म है उस फॉर्म का क्या नाम है, तो प्रोडक्ट एफ, तो यहाँ पे हम दे देते हैं प्रोडक्ट एफ, जिस तरीके से लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखना है। फिर एक्सक्लेमेशन लगाइएगा, हमें कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करना है, तो यहाँ पे कर दिया हमने कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, जैसे दिया गया है वहां पर कस्टमर आईडी बिल्कुल वैसे ही आप भी दे दीजिएगा। तो ये हो गया कस्टमर आईडी और ये हमारा काम हो गया। अब हमें इसको सेव करना है, ये सेव हो गया और सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद इस फॉर्म को भी क्लोज कर सकते हैं आप चाहे तो, और अब हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। पहले तो फॉर्म दिखा देता हूं आपका किस प्रकार से ये दिखाई देगा। यहां पर देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है और यहां पर जैसे ही नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं तो कस्टमर आईडी तो देखिए सेम है, यानी एक कस्टमर कई सारी चीजें परचेस कर रहा है और वो डिटेल भी यहां पे आपको दिखाई पड़ रही है। जैसे देखिए कस्टमर आईडी वन ही है, इनका नाम रहमान ही है और ये शुगर भी परचेस कर रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाते हैं, ये पल्स भी परचेस कर रहे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाते हैं, राइस भी परचेस कर रहे हैं, क्या कोई और भी कस्टमर है? तो देखिए कस्टमर आईडी टू है जिनका नाम सुमित है, ये केवल मस्टर्ड ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो उसी की डिटेल केवल नजर आ रही है। तो ये फायदा आपको हो जाएगा इससे। अब इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करके कहां आएंगे, अब ये देखिए ये हमारा इतना बन गया ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है, तो रिपोर्ट हम ये ग्रोसरी टी क्वेरी के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो इस पे जाकर के रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे, रिपोर्ट विजर्ड पे जाकर के ग्रोसरी टी क्वेरी जो बनाया इसके हिसाब से हमें पूरी की पूरी रिपोर्ट डिजाइन करनी है। तो यहाँ पर आ गए और फिर नेक्स्ट करेंगे और प्रायोरिटी हम ग्रोसरी वाली टेबल को देंगे जिसमें कि कस्टमर आईडी है, ठीक है, और इसमें कस्टमर आईडी को ही हम प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आउटलाइन में रख करके और फिर ओके करेंगे। अब इसमें देख लीजिएगा कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, जो बढ़िया लगे उसको चूज करके फिर यहाँ से नेक्स्ट करके फिर यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिएगा। और यहाँ रिपोर्ट के सिंबल के लिए मैं आर कर देता हूँ, यानी ग्रोसरी आर, तो ये हमने कर दिया। तो अभी यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, तो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको होम टैब पे जाना है, होम टैब पे जाके यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो क्लिक रखिएगा इस पे और जो भी बैकग्राउंड आप चाहते हो वो बैकग्राउंड लगा लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर हल्का सा ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, तो ये बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। तो जिस तरीके का भी बैकग्राउंड चाहिए वो बैकग्राउंड लगा लीजिए, सबसे पहला काम, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो हमें अब क्या करना है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपकी रिपोर्ट यहाँ से डिजाइन होगी। तो रिपोर्ट पे चले चलिएगा, अब रिपोर्ट पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या, डिजाइन। तो डिजाइन पे चलेंगे और डिजाइन पे जाने के बाद एड एग्जिस्टिंग फील्ड, पहले कस्टमर आईडी हम लेंगे। तो आपको करना क्या, यहाँ से ड्रैग करवा के यहाँ लाना है, अगर डबल क्लिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखा, अब देखिए यहाँ पर जो है छोटा बड़ा जब होगा तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आप छोटा बड़ा करके और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आया, इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट किया, तो ये हो गया। अभी देखिए नेम ऑफ कस्टमर, ये पूरा नाम दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा करते रहिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस लेके आए हम, फिर यहाँ पे सिटी लेके आए हम, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये स्टेट हो जाएगा, यहाँ से ड्रैग करवा के लेते आइएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद अब नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको साइड में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब देखेंगे तो ये थोड़ा सा छिपता हुआ दिखेगा, तो इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लीजिएगा, तो ये एडजस्ट हो जाएगा आपका। और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर लीजिए, ये हो गया, ठीक है। फिर प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ लेके आएंगे प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी लेके आएंगे। टोटल की बात करेंगे, टोटल भी लेके आ गए, ठीक है। देख सकते हैं ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर सिंपली सेव करना है इसको। तो ये रिपोर्ट हमने सेव कर लिया, अब फायदा क्या हुआ रिपोर्ट बनाने का, देखिएगा ध्यान से। अभी आप प्रोडक्ट ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कस्टमर आईडी वन का डिटेल है यहाँ पर, और कस्टमर आईडी वन के ही डिटेल के हिसाब से हम रिपोर्ट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो ये आपका है ग्रोसरी आर, तो यहाँ पर जब जाएंगे ना तो यहाँ पे पूछेगा कि कस्टमर आईडी क्या है, तो हमने वन कह दिया और एंटर किया, तो आप देखेंगे कि पीछे के बैकग्राउंड में कस्टमर आईडी वन की ही पूरी डिटेल आई हुई है कि कस्टमर आईडी वन ने क्या प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे भी शो होगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।